स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मनपा की ओर से हिंदी मराठी गीतों की बहारदार गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता 7 से 17 साल के बच्चों, 18 से 40 साल के बच्चों और 41 साल की उम्र वाले इस प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन 20 से 25 दिसंबर तक लिया जाएगा। गांधीबाग उद्यान में महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद दौरान खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद तभानी द्वारा दी गई। उद्घाटन समारोह में क्रीड़ा समिति सभापति प्रमोद तभानी, शिक्षण समिति सभापति दिलीप दिवे, नगर सेवक प्रमोद सिकले, नागेश सहारी, उपायुक्त विजय देशमुख, क्रीड़ा अधिकारी पीयूष आंबुलकर, संस्था की प्रीति दास और लखी खान शामिल होंगे। ऑडिशन राउंड सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में लिया जाएगा। पूर्व नागपुर में 21 दिसम्बर को, दक्षिण नागपुर में 22 दिसम्बर को, उत्तर नागपुर में 23 दिसम्बर को, दक्षिण पश्चिम में 24 दिसम्बर को और पश्चिम नागपुर में 25 दिसम्बर को ऑडिशन लिया जाएगा। 29 तारीख को प्रतियोगिता का सेमीफाइनल होगा। इसके बाद प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 4 जनवरी 2022 को कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में लिया जाएगा। फाइनल प्रतियोगिता में वेब सीरीज ईशा डायरीज की प्रमुख कास्ट दिखाई देगी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपए दिया जाएगा। नमस्कार, महानगरी पालिका तर्फे एक नागपूर महानगरपालिकेतर्फे महापौर स्वररत्न गायन स्पर्धा आपण 6 विधानसभा सत्रामध्ये घेत आहे। याचं जे 20 ते 25 दरम्यान ऑडिशन होईल आणि आपलं फायनल जे राहील ते 4 तारखेला सुरेश भट सभागृहामध्ये राहील। यामध्ये 6 विधानसभाचे आपण डेट दिलेले आहे, त्यामध्ये डेट्स आहेत 21, 22, 23, 24 आणि 25 डिसेंबर। या संपूर्ण 6 विधानसभामध्ये 6 ऑडिशन होतील आणि त्यानंतर जे फायनल राहतील त्याचं फायनल ऑडिशन हे सुरेश भट कविवर्य भट सभागृहामध्ये होईल। यामध्ये पहिल्यांदाच अशी स्पर्धा होत आहे, याच्या आधी आम्ही स्पर्धा घेतलेली आहे ते विदर्भ टॅलेंट घेतली होती याप्रकारे, पण यावेळेस आपण महापौर चषक म्हणून याला स्पर्धेला आपण आयोजन दिलेलं आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त स्पर्धेमध्ये लोक येतील अशी आमची आशा आहे। आणि महानगरपालिका या संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये जे लोकांचं गायन स्पर्धेमध्ये टॅलेंट आहे ते निखळावं, त्यांना एक वाव मिळाला आणि इथून ते मुंबईला ऑडिशन होतात, मोठमोठे कार्यक्रम होतात, त्यांना तिथे नागपुरात मोठा कार्यक्रम होईल, त्यांना वाव मिळेल आणि हे संपूर्ण नागपूर शहरात जावं असं करून आम्ही स्पर्धा घेतलेली आहे। तुम्ही जास्त जास्त याला हायलाइट करा अशी मी विनंती करतो। इस कार्यक्रम में आई फाउंडेशन, आगास फाउंडेशन, मैं निर्मोही संस्था भाग ले रहे। प्रतियोगिता लकी म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम में नागपुर शहर के 35 तज्ञ भाग लेंगे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।